नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। इस साल अंग्रेजी मीडियम से चलने वाली स्कूलों का रिजल्ट काफी खराब आया है और कक्षा 9 और कक्षा 11 में काफी संख्या में विद्यार्थी फेल हुए हैं। टेलको के हिल टॉप स्कूल में भी कक्षा 11 से 40 से अधिक विद्यार्थी फेल हुए हैं। इन विद्यार्थियों और अभिभावकों ने बुधवार को साकची के डीसी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों की मांग है कि उनको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। इन विद्यार्थियों को स्कूल प्रबंधन ने अगली कक्षा में प्रमोट करने से साफ इनकार कर दिया है। विद्यार्थियों का कहना है कि कक्षा 11 में हिल टॉप स्कूल में पढ़ाई काफी कमजोर थी। 6 महीने में 6 टीचर बदले गए। टीचर नहीं होने से भी परेशानी हुई। शुरुआत के कई महीने टीचर पढ़ाने ही नहीं आए। इसके चलते विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी प्रभावित हुई। मेरा नाम आई सुमन है, स्टैंडर्ड 11 में हिल टॉप स्कूल। हमारे स्कूल में 6 बार टीचर चेंज हुई है। 2 महीने के लिए टीचर आई नहीं। फिर हमें मतलब हम लोग कल बात करने के लिए गए तो उसमें भी प्रिंसिपल हम लोग को बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक लड़की बेहोश भी हो गई। उसके चलते टीचर यहाँ मान नहीं रही है बात बहुत। मतलब हम लोग हमेशा जो भी है, हम लोग जितना भी है, 6 बार टीचर एक्सचेंज हुई है। उसके बाद एक स्टूडेंट आके पढ़ाया। उसके बाद वो एक स्टूडेंट के बारे बोले तो वो बोली हिल टॉप के टॉपर है। तो और बस हमें प्रमोट कर दिया जाए, बस वही बोलना चाहेंगे। नहीं किया गया तो साल पूरा खराब हो रहा है। और हम लोग बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की। हम लोग को एक चांस देना चाहिए। हम लोग तो पढ़े, हम लोग ट्राई किए, लेकिन जो जहाँ जैसे हुआ क्या बोले, वो टीचर लोग का भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। तो हम इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24 न्यूज।